हमारे यहाँ पीर इतने बदले जाते हैं कि बिल्ली इतने घर नहीं बदलती। आज इसका मुरीद, कल उसका मुरीद, तीसरे दिन हो रहा है तो उसका मुरीद, फिर उसका मुरीद, क्या समझाए मुरीद होना। मालिक बार दिखता है जी, बार बार नहीं मिलता। एक दफ़े बिक गए ना, इख्तियार ही नहीं, तू किसी और का हो गया अल्लाह के नाम। एक मर्द कलंदर के हाथ में दे दिया, बिक गया, बस अब जरा इख्तियार नहीं है, समझो तेरी मुरीदी को खेल ना बनाओ। पीर इसलिए नहीं होता दम करे तो मर्ज सही हो जाए, पीर इसलिए नहीं होता कि तावीज लिख के दे तो काम हो जाए, ये पीर दे देता है मेहरबानी, पीर दम कर दे मेहरबानी इसकी, काम इसका ये नहीं है। पीर का काम ये है कि इसका वास्ता और रابطہ जोड़ दे, और जब जोड़ दे और जिसका जुड़ जाए तो फिर वो कहने वाला कहता है कि मुर्शिदा दीदार है बाऊ लख करोड़ा जा। इंसान जब दुनिया में आता है ना तो उसकी गिजा छूट जाती है, और गिजा उसकी वही होती है। सारी जिंदगी बेचारा परेशान फिरता, क्या करूं, कोई मिलता अल्लाह वाला और रास्ता वास्ता जोड़ देता है, और जो गिजा इसकी छूटी हुई थी वो दोबारा मिल जाती है। फिर जब पीर ऐसा मिल जाए तो कहता है अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो नफी इस बात, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नफी इस बात दा पानी मिलिया, बूटी लगाई मुर्शिद। अब इसको पानी देना है ताकि नशोनुमा हो, और जब ये नशोनुमा होगी भलेगी बोलेगी तब पता चलेगा ये जिक्र की बूटी है क्या। लगा दी मुर्शिद ने, अब नफी इस बात का पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हो अंदर बूटी मुश्क मचाया, जा फुला ते आई हो जीवे मुर्शिद का मिलवा हो जय ही बूटी लाई। पीरों को समझो, पीर किसे कहते हैं आजकल, मंगल बुध बोध है जी, मंगल बुध गुजर जाता है तब पता चलता है वो पीर था भाई। पीर तो ऐसा होता है जो आला हजरत ने कहा कि खो के सुध बुध बने सनीचर पीर, खो के सुध बुध बने सनीचर पीर, और हक का जुम्मा है अहमद नूरी, हक का जुम्मा है अहमद नूरी, नूर वाला है अहमद नूरी, नूरे वाला है अहमद। ये पीर भी तो ऐसे थे, अब भी हैं, ऐसा नहीं जमाना खाली नहीं हुआ, लेकिन होशियार सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली गए किससे दे रण, जो बन के कसम रख दी तरे पीरा सांडा मीरा बाहू, असी कंदी लगदे तरके किसे दे रण, जो बन के कसम रब दी तरे खुदा की कसम, जैसा कुरान आला हजरत ने पढ़ा है हमने वैसा देखा भी नहीं, जैसा कुरान आला हजरत ने समझा हमने पढ़ा भी नहीं, जो हदीस आला हजरत ने पढ़ी हमने देखी नहीं, जो समझी हमने पढ़ी नहीं। कौन से इल्म में आला हजरत को महारत नहीं थी, कितने उलूम आला हजरत कितने उलूम पर दस्तरस रखते थे, इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, पढ़ पढ़ के कहते हैं सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो कहो के मालिको मौला कहो तुझे, पादे खलील का भूले किताबिश। अब मुनव्वर कहें या मुनव्विर कहें,
दोनों पढ़ सकते हैं, हुजूर मुनव्वर भी हैं, हुजूर मुनव्वर भी हैं। अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे तजल्लियों के कफील तुम हो कफील तजल्लियों के कफील तुम गो मुराद कल्बे खलील तुम गो ऐ खुदा की रोशन दलील तुम हो ये सब तुम्हारी ही रोशनी है ऐ जाने 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 तजल्ला कहूँ तुझे सुबह तैबा में हुई बटता गे बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का है सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का सदका लेने नूर का आया है अलविदाया व निहाय मेरे बाद मौजूद असाम बिन साबित फरमाते हैं मैं 8 या 10 साल का था। आप अंसारी साहबी मदीने में रहते 120 साल उम्र पाई 60 साल की उम्र में इस्लाम लाए। आप कहते हैं मैं था 8 का या 10 का इसमें मुझे मुगालता लेकिन कहते हैं जो कुछ देखता था याद हो जाता था। कहने लगे कि एक दिन सुबह सुबह मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी निकला और चिल्ला रहा था या माशर यहूद यहूदियों को बुला रहा था सब आ गए वो क्या बात है क्यों चीख रहे हो कोई दुश्मन ने चढ़ाई कर दी क्या बात है। कहा ना बात कुछ भी नहीं बात ये है कि मैंने आज वो तारा तुलू होते हुए देख लिया जिसके बारे में ये कहा गया था कि जब तारा तुलू हो तो समझ जाना नबी आखिरुज़ ज़मान की विलादत हो गई हो गई हो गई। आज मैंने तारा देख लिया कहां मदीने में कहां तैबा में विलादत कहां मक्के में। इमाम कहते सुबह तैबा में रुई बटता है बाड़ा नूर का वो सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का ऐ सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का परनी के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। हमारे यहाँ मुजरा पता नहीं किस लफ्ज में इस्तेमाल करते हैं मुजरा का मतलब होता है सलामी बजाना क्या होता है सलामी बजाना सलामी बजा लाना। बारहवीं के चांद का सजदा नूर का 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का है 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में गए जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में गए। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का जब हुजूर ने पर्दा हटाया ओ तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का ऐ तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। उनके कसरे कदर से खुंदे कमरा नूर का। सुनो मुसलमानों में जितनी जन्नत तकसीम होगी ना जितनी जन्नत मुसलमानों में तकसीम होगी वो सारी जन्नत अगर मिला ली जाए वो कितनी होती है बताइए। ये मुस्तफा करीम के जन्नती महल का एक कमरा उनके कसरे कदर से खुल्दे एक कमरा नूर का सिदरा फिर सिदरा के साथ वो क्या होगा। आपने देखे बादशाहों के महल में एक पाई बाग होता है इसमें बादशाह चहलकदमी करती पाई बाग जब पूरी जन्नत बटेगी मुसलमानों में वो इतनी कि मुस्तफा करीम के जन्नती महल का एक कमरा तो फिर सिदरा सिदरा पाई बाग में नन्ना सा मौजा वो
उनके कसरे कदर से खुल देख कमरा नूर का, सिदरा पाई बाग में नन्ना सा पौधा नूर का, आज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, पेच करता है पिता होने को लम्हा नूर का, इमाम के पेच पेच करता है पिता होने को लम्हा नूर, और गिरदे सर गिरने को बनता है इमाम नूर का, गिरदे सर गिरने को बनता है इमाम नूर का। इमाम का ये हिस्सा इसे शिमला कहते हैं, शिमला क्या है, हाँ शिमला बमिकदार इल्म, मैंने बहुत बड़ा रख दिया, हालांकि इतना ही होना चाहिए, मेरे लगभग चार उंगल काफी होना चाहिए, शिमला इल्म के साथ शिमला व मिकदार इल्म, जिसका जितना इल्म वो उतना शिमला का बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि बैठने में दब जाए। हाँ सुन लीजिएगा, सुभान अल्लाह, यह है शिमला। क्या है? अच्छा आपको नजर आ रहा है मेरा, मेरा क्यों? इसलिए कि मेरा, इसलिए नजर नहीं आ रहा कि मेरा, हुजूर के इमाम शरीफ का शिमला। कौन देख रहा है, कहां जाकर देख रहा है, और जब देखे तो लगे कैसा, पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, अरे पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा सूर से उतरा सहीफा नूर का, देखे मूसा सूर से उतरा सहीफा नूर का, तेरी नस्ल पाक है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, कदम सर से लेकर कदम तक अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, और इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है, जाने जाने ईमान, जाने जाने सड़ी जान तू, ख्वाजा फरीद को लिखने वाले, साडा इश्क भी तू सड़ी जान तू, साडा दिल भी तू दिलदार भी तू, कुल नबिया दा सुल्तान भी तू, नले अरश शाह मेहमान भी तू, तेरे मुख दी गल दी गल मुका दे समझाने के लिए, ए मेरे पास चश्मा है, मैं इसकी तारीफ करूं, ब्रांडेड है, कलर भी अच्छा है, मेरा नहीं है, किसी से लेकर आया हूं, मैं इसकी तारीफ कितनी करूं, चलो शीशे की तारीफ कर दूं, ये पहनने के बाद नजर अच्छा आता है मुझे, अब कितनी करूं, जितनी थी कर ली, इसकी तारीफ खत्म हो गई। सुन लो, किसी के औसाफ का खत्म हो जाना भी ऐब है,
اور تیرو میرے محبوب بے عیب ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ امام کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، حیرانی اس بات میں ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے، اس میں نہیں حیران کیا نہ کہوں تجھے، کیا نہ کہوں تجھے، اس میں حیرانگی ہے ہی نہیں، حیرانگی ہے اسی کہ کیا کیا کہوں تجھے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ کیا مگر وہ کیا نہیں، یہ حبیب کی بات ہے۔ خدا کہتے نہیں بنتی جدا، کہتے نہیں بنتی خدا، بارش کو چھوڑا گئے ہوگی جانے کہ کیا تم ہو حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ غزلیات کا ماہر، غزلیات کا بادشاہ اسد اللہ خان غالب، ساری زندگی غزلیں لکھی، ایک سے بڑھ کر ایک غزل لکھی، کہتے ہیں غزلیات کا بادشاہ، کہتے ہیں بڑی غزل لکھی، کس نے کہا او غالب ایک نعت بھی لکھ، غالب نے ایک نعت لکھی اور اس کا مقطع اتنا پیارا کہا، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ غالب کی اگر بخشش ہوگی تو اس شعر پر ہوگی۔ غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشت کا ساتھ پاک مرتبہ دان محمد سہرابوں میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو کلر ہے، کلر دیکھو اندر سفید ہے، سفید دیکھو۔ 40 سال الحمدللہ اس فیلڈ میں ہو گئے، الحمدللہ، اللہ کرے اسی میں رہیں، اسی میں نکل جائیں، آمین ثم آمین۔ ابھی 40 پورے ہوئے نہیں، چلہ ہونے والا ہے، چلے میں راز ہے، راز کسی اللہ کے ولی سے پوچھنا، چلے میں راز کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا ایک مہینے کے لیے، 10 دن اور رکھے، چلے میں راز، بابا راز، انشاءاللہ 40 چلہ پورا ہونے والا ہے۔ سفیدیاں گئی زبان شوق سے، شرح صفات پھر نہ ہوئی، تمام عمر کہیں نات نات پھر نہ ہوئی، غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی، حیران ہوں میرے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صدیقہ بنت صدیق، میری ماں فرماتی ہیں، مومنوں کہو ہماری ماں فرماتی ہیں، ماں فرماتی ہیں کہ حضور کی تعریف کا میں حق ہوں کوئی پوری کر سکتا نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا، پھر کیا ہوتا ہے، وہ عاجز آ جاتا ہے، عاجز۔ کہتی ہیں جب بندہ عاجز آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ تشبیہات کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ اب الفاظ ہی نہیں،
क्या तारीफ करूं ते तशबीह दे ता तशबीह मुख चंद बदर शानी है मथे चमके लात नूरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखीन मत भरियां दो अबरू कोस मिसाल निशान तशबीह देखो तशबीह आजीज आ गया आजीज दो अबरू कोस मिसाल दिसन जिसे नोके मिला दे तीर छुटन लपा सुरखां खां के लाले अमन चित दन मोती दियां इन मत लड़ियां जामी भी कहते हैं हर कस के लबे लाल तुरा दीदा ब दिल गुफ्त हर कस के लबे लाल तुरा दीदा ब दिल गुफ्त हक्का के चे खुश कंदा अकीके यवनी रानी लबा सुरखां खां के लाले अमन चिट दंद मोती दियां हिल लड़ियां आजीज आ गए सारे आजीज आ गए फिर तशबीहात होती हैं चांद से उनके चेहरे बहरे जिनके सुए मुश्क फाम हो दिन है खिला हुआ मगर वक्ते सहर है शाम हो सरताब कदम है तने सुल्तान जमन भूमन लब फूल तगन फूल जमन फूल बदन फूल दंदानों लबो लबो पे रुखे शाह के पिदाई है दुर्या दन लाले यमन मुश्के खुतन फूल हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे फिर इमाम ने भी कमाल का शेर कहा कहते हैं कि कह लेगी सब कुछ उनके सना खान की खामोशी ये कमाल है आलादत का सुनो आलादत नाद खत्म नहीं करते इमाम कहते हैं कि कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी चुप हो रहा है हाँ चुप होना दूसरा है खत्म करना दूसरा नई बात और इमाम चुप भी हो रहे हैं तो ये कहकर चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे ऐ आला हजरत ऐ इमाम अपना सुखन भी तो तुम्हें खत्म करना है ना हुजूर अपना कलाम अपना सुखन कैसे खत्म करेंगे तो कहते लो वही करना ही लेकिन रजा ने खत्म सुखन सुखन इस पे कर दिया किस पे मिसरा मिसरा ऐसा कि किसी बशर के लिए इससे बड़ी नाद कहना मुमकिन नहीं मिसरा है कि क्या है खालिक का बंदा खल्क का कहूं तुझे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे आप को जानते नहीं बातें करते ओ मीनारे तसरे रजा तो बुलंद काफी है तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो फतावा ए रज़विया तो एक करामत है जरा हदायत बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो खालिक का बंदा खल्क का कहूं तुझे समा के नूर कर नूर का निकला चांद समा गए नूर का निकला चांद मरहबा समा गए नूर का निकला चांद मरहबा समा गए नूर का निकला चांद का
इसको आसान अंदाज नहीं कहूंगा। जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर के आने से पहले थी गुमराही, जिहालत का दौर दौरा, हर तरफ जिहालत। जैसे ही हुजूर आए तो किसने कहा चलो बहुत हो गया, चलो चलो अभी डब्बा गोल करो, 9 to 11 हो गया, बहुत हो गया। कैदो दामन को समेटे कुफर की तारीकियां हुआ की आमिना बीबी के घर दिखता खुदा का चांद जाए, समाद नूर का निकला चांद से मरहबा, समाद नूर का निकला चांद से सीना चाक चाक तीर गिए दगर में निकला खुदा का चांद गए, नूर का निकला चांद गए, मरहबा समाद नूर का निकला चांद गए। एक तरफ था बदरे कामिल कामिल, एक तरफ तैबा का चांद चांद, सुर्ख धारियों वाला लिबास हुजूर से बेतन किए हुए मौजूद, अदद जाबिर कहते के बिचोदी के चांद को देखूं कभी, मदीने के चांद को देखता कभी, चांद का हुस्न देखता कभी, मदीने के चांद को देखता। एक तरफ था बदरे कामिल, एक तरफ तैबा का चांद, इश्के जाबिर ने कहा, इश्के जाबिर ने कहा तैबा का सुथरा चांद है, सबागे नूर का चांद गए, मरहबा समाद नूर का निकला चांद गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह इनकी मोहब्बत हमें मजीद अता फरमाए, आमीन। यकीन करो इनकी मोहब्बत के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं, इस बात को याद रखिएगा। जिसने मोहब्बत का मजा चखा है ना, फिर वो दुआ करता है कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नादे दवा उठाएगी। अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत काम लाता फरमाए, आमीन। सिर्फ जबानी नहीं अमली तौर पे भी नमाजी बन जाएं, नेक बन जाएं, दिल से हसद खत्म हो जाए। ये जो ना बीमारियां ये बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक होती है, ये रूहानी बीमारी। अल्लाह शिफा अता फरमाए मुझे भी, हमें अल्लाह दिलों को पाक करना नसीब फरमाए। दोस्ती कर तो अल्लाह के लिए कर, दुश्मनी कर तो अल्लाह के लिए कर, बस यही है। इस बात को समझिए, माँ आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, अच्छा मेरे महबूब हमारे आका का जो हुस्न है ना, कोई मिसल हो तो मिसाल है। महबूब के मुबारक दांत शरीफ जो थे ना, उनके दरमियान बारीक बारीक झिरी मुबारक आती थी, ठीक है ठीक है, मुनासिब फासला, बारीक बारीक झिरी। तो जब कभी हुजूर मुस्कुराते ना, हमारी मेमनी कहते हैं हुजूर खिलना वाना आए, सराय की भी यही कहते हैं खिलना आए आए, हमारी मेमनी भी कहते हैं हुजूर खिलना वाना। जब हुजूर मुस्कुराते थे तो हुजूर की उन्हीं झरी मुबारका से नूर छन छन के निकलता था और दरो दीवार को रोशन कर देता। हाजी अभी सूरज निकला नहीं, सुबह सादिक हुई नहीं थी, माँ आयशा कुछ सी रही थी कि हाथ से सुई गिर गई, चराग भी बुझ गया, अब सुई कहाँ नजर आए। ऐसे में हुजूर आए, आकर मुस्कुराया और हुजूर के मुस्कुराने से दरो दीवार ऐसे रोशन हुए कि माँ आयशा ने वो सुई ढूंढ ली। खाना तारीख में जब मुस्कुराया आपने, खाना तारीख में जब मुस्कुराया आपने, खाना तारीख में जब मुस्कुराया आपने, आयशा खान
आसमान समझा के निकला चांद है, समान नूर का निकला चांद है, मरहब समान नूर का निकला चांद है, निकला चांद है, निकला चांद है, ना इनका ना इनका ना हमारा, लेकिन और नाथ साहब मौजूद हैं, बयान भी होना है, बस एक कलाम पढ़ के चले जा रहा है, यही तो पढ़ो एक दे बस, कौन सा अच्छा मैं इसकी चंद अच्छा पढ़ रहा हूं। ओ भाई सुनो, जिस दिन हमने ये समझा ना कि हम शेर हो गए, उस दिन ढेर हो जाओगे। हाँ देखिए इश्क ना इश्क, हजरत इश्क, ये वो साथी होता है जो मर के भी साथ नहीं छोड़ता। जी हाँ, इश्क को क्या समझते हैं आप? कहते हैं इश्क करना है मछली से सीखने, समंदर से निकलने के बाद भी कहती है तड़पती है, फिर निकलने के बाद ठंडी हो जाती है, लोग पकड़ लेते हैं, फिर उसको मसाला लगा के भून लेते हैं, फिर उसको खा लेते हैं, जब पेड़ में जाती है ना फिर भी कहती है पानी ला पानी ला पानी ला। देखो मछली खाने के बाद प्यास लगती है, ये मरने के बाद भी कहती नहीं पानी ला, तो जो मरने के बाद चीज खत्म हो जाए तो इश्क कहां रहा? मर के भी दिल से न जाए उल्फते बागे नबी, खुल्द में भी बागे जाना याद आए खैर। तो ये जिक्र सलाम उस पर के जिसके जिक्र से शेरी नहीं होती, और ये प्यास रखनी है, इसको बुझने नहीं देनी। हाँ इंशाल्लाह, तो चंद अशआर सुन लीजिए। जब तक जियो मैं आका बंदों के साथ, जिसे मारा हो गमों ने, जिसे घेरा हो दुखों ने, जिसे मारा हो गमों ने, जिसे घेरा हो दुखों ने, मेरा मशवरा उसको, मेरा मशवरा है उसको, वो मदीना हो के आए, मेरा मशवरा है उसको, वो मदीना हो के आए। कोई हार सार में यूं यूं बजवान हाल बोले, कोई गारे सोर में यूं बज़बान हाल बोले, बज़बान गाल बोले, न हटाऊंगा अंगूठा, न हटाऊंगा अंगूठा, मेरी जान अगर जाए, न हटाऊंगा अंगूठा, वो शान लाला मौला अली की तात की वो शान अल्लाह अल्लाह, हुजूर मौला अली की कूद में सर रख के आराम कर रहे, हुजूर की आंखें बंद दिल जागता, नबी का दिल सोता नहीं, आंखें सोती हैं दिल नबी का सोता नहीं। अभी मौला अली ने असर पड़ी नहीं थी, असर की नमाज सलातुल वुस्ता बड़ी अहमियत है इसकी,
बड़ी अहमियत है इसकी। हुजूर ने एक जंग में जब ये नमाज कजा करनी पड़ी, हुजूर ने उनके लिए खिलाफ दुआ की। किसी को पता हो ना हो, सलातुल वुस्ता असर की नमाज अली बाबुल इल्म है अली से बड़ा आज कोई आलिम है आज के दौर में? हुजूर के जानू पे, हुजूर उनके जानू पे सर रखे आराम फरमा रहे हैं और अली ने नमाज पढ़ी नहीं। अब कभी सूरज को देखते, कभी वहाज को देखते, कभी सिराज को देखते, वो सूरज डूब रहा था, नमाज का वक्त जा रहा था, क्या करें? अगर नमाज पढ़ता हूं तो हुजूर के आराम में खलल, अगर हुजूर के आराम को देखता हूं तो नमाज जारी। बोले ये है ना, ये कजा, ये कजा भी नहीं होगी, ये तो हो जाएगा। इश्क की बात है, इश्क तो इश्क और अकल की जंग हुई। और याद रखना, जब इश्क और अकल की जंग होती है ना तो इश्क जीतता है। ये बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद ने इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे वाम, अभी क्या करूं, जाऊं रुकूं, जाऊं रुकूं, जाऊं रुकूं, बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे वाम, अभी इश्क और हजरत इश्क और अकल की जंग हुई, इश्क जीत गया, नमाज सूरज डूब गया, लेकिन थे अली। गम हुआ, आंखों से आंसू निकले, मुझे कहने दो अपने अल्फाज में, मौला अली की आंखों के आंसू बेताब थे, बेचैन थे, बेकरार थे, कब इजाजत मिले और उस सारे मुस्तफा को चूम लूं। कायम कमाले जब्त की कोशिश तो की, मगर पलकों का हल्का तोड़ के आंसू निकल पड़े, और आंसू जब उस सारे मुस्तफा को चूमे, महबूब ने आंखें वाह फरमाई, फरमा वाली क्यों रोते हो? कहा हुजूर ये हो गया। तो हुजूर ने दुआ की, या अल्लाह अली, तेरे और तेरे रसूल की इताअत में था, अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में था, मौला सूरज को फेर दे, और दुनिया ने देखा डूबा हुआ सूरज यूं है, ऐसे 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 करके की गलती हो गई। अज कदी ऐसा नहीं, कदी अज नहीं होना जी, है की होया जी मुस्तन, वो माह शक गश्ता की सूरत देखो, कांप कर मेहर की रजात देखो, और देखना ही है तो मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। सूरज भी लौट आया, मौला अली की बात की वो शान अल्लाह अल्लाह, की वो शान अल्लाह अल्लाह, जिसके लिए वो डूबा सूरज भी लौट आए, जिसके लिए वो डूबा सूरज भी लौट आए। सुनो, मैं गुलाम पंजतन हूँ, न समझना बेसहारा, मैं गुलाम पंजतन हूँ, न समझना बेसहारा, न समझना बेसहारा, मैं हूँ गौस का दीवाना, मैं हूँ गौस का दीवाना, कोई कोई हाथ तो लगाए, मैं हूँ गौस का दीवाना, कोई हाथ तो दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, मैं हूँ गौस का दीवाना, गाना जावेद भी ऐसे ही थे, मैं हूँ गौस का दीवाना, कोई हाथ तो पहचानो, मैं हूँ गौस का दीवाना।
میں کسی دن یہ تیرا عبد آئے تجھے نعت بھی سنا ہے یہ تیرا عبد آئے تجھے نعت بھی سنا ہے آخری کلام اس کے بعد اجازت چاہوں گا میلاد کا مہینہ ہے خوشیوں کا مہینہ ہے ابھی نیا نیا کلام میں نے ایک ریکارڈ کروایا ہے آپ سن رہے ہوں گے اس میں ایک شعر میں نے پاکستان کی محبت میں لکھا ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور پاکستان ہمارا وطن ہے اور جو دنیا دیکھ کر آیا نا اس سے پوچھا پاکستان کیا جتنی آزادی ہمیں یہاں ہے نا کہیں اور نہیں ہے بس اللہ اس پر کرم فرما دے وہ شعر میں نے کہا تھا کہ واسطہ مولود کا دیتا ہوں پاکستان سے واسطہ مولود کا دیتا ہوں پاکستان سے دور ہوں مولا بلائیں جشن ہے میلاد کا یا اللہ کرم فرما دے ہمارے وطن پر اور جو بلائیں منڈلا رہی ہیں رنگ کریم تو خیر میں ڈال دے پروردگار مولا وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و اماں کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ اس ملک کو ایسا عظیم بنا دے رب کریم کہ یہاں کا ہر باسی ہر شہری بچہ چپا چپا بچہ بچہ خوشحال غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے سیلاب نے تباہ کر دیا کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے رب کریم مویشی ہلاک ہو گئے گھر بہ گئے جانی نقصان ہو گیا اے اللہ ان سیلاب زدہ لوگوں پر تیرے محبوب کے امتی بکرم فرما انہیں اچھا نعم البدلتا فرما اور ہمیں یا اللہ آئندہ اس قسم کی آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرما زلزلوں سے سیلاب سے طوفانوں سے اللہ محفوظ فرما ہماری فصلیں برکت دے برکت 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 دینے والی ذات تیری ہے رب کریم تو برکت دینے والا ہے ہماری فصلوں میں برکت دے اور ہمیں اناج کی کمی کا سامنا نہ ہو رب کریم تو کرم فرما دے اور میلاد کا یہ مہینہ ہے ہمیں خوشیوں سے منانا نصیب فرما فرما شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام خوشخبری سناؤ بات تو پرانی ہے لیکن توجہ گئی نہیں آپ کی ابھی سناؤ ہم بعد میں پیدا ہوئے پیدا بعد میں ہوئے بک پہلے گئے ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر مجھے دے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے اور حق نے فرمایا محبوبہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا السلام تو السلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے دو رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبے کی شرف منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف یہی کہتے ہو نا اور کچھ تو نہیں کہتے نا استقبال قبلہ تو شرط ہے نا شرائط نماز میں سے ہے نا کوئی کہے میرا منہ فلاں طرف نماز نہیں ہوتا یہ شرط ہے قبلے کی طرف رخ کر لو یہ شرط ہے جب تک معلوم ہے نہیں معلوم تو تحری ہے وہ الگ چیز ہے لیکن استقبال قبلہ یہ شرط ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے منہ میرا بولو نا منہ میرا کعبہ حضور کی آمد کے کر کیا رہا تھا جس کی طرف منہ جس کعبے کی طرف منہ کرتے ہو مزہ تھا بہتر یہ دیکھو کہ کعبہ کر کیا رہا تھا بتاؤں بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ چھن چھڑ آیا چھڑ آیا اس کعبے کی طرف
जो हुजूर की आमद की खुशी में झूम रहा था चन चढ़या मीना दे लाल दा सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी फिरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी जनाब आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से के इतने में सदाई है अब्दुल्लाह के घर से चन चढ़या चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं झलक से जिसकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबी मुलव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का दाना तो नेमत है जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं सच न चढ़या बिना दे तशरीफ लाने लगे हूर गिलमा भी खुशियां मनाने लगे हर तरफ रोशनी छा गई हर तरफ रोशनी छा गई मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई समझो मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल और चेहरा ए मुस्तफा जब दिखाया गया झुक गए तारे और चांद शर्मा गया आमिना देख कर मुस्कुराने लगी हव्वा मरियम भी खुशियां मनाने लगी आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी दुआ हो गई कबूल दुआ हो गई कबूल दुआ हो गई कबूल शादियां ने खुशी के बजाए गए शादियां ने खुशी के बजाए गए और शादी के नमन सब को सुनाए गए शादी के नमन सब को सुनाए गए हर तरफ शोरे संदे आला हो गया आज पैदा हबीबे खुदा जिब्रील ने दिए ऐलाखिया चल चढ़या शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे सारी दुनिया को सुनाने के लिए आ पाए एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज पे बुलाने के लिए आ पाए ना खुदा बन के उबलते हुए तूफानों में कश्तियां पार लगाने के लिए आ पाए काफिले वाले भटक जाए ना मंजिल से कहीं दूर तक राह दिखाने के लिए आ पाए चल चल
नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके हैं ये उनको उठाने आए गए, ये सीधा रास्ता हक का बताने आए गए, ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए गए। चल छड़िया या मुस्तफा या मुज्तबा अहलन व सहलन मरहबा।